ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने धम्म अपनाया, बुद्ध धम्म को अपनाया जी। ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने बुद्ध धम्म को अपनाया और शासकीय धम्म बनाया, उसके बाद से भारत गुलाम हुआ। क्या ये सच है या गलत है, ये बताएं जरूर। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है जी। गलत बात इसलिए है कि अशोक ने भारत को बृहद भारत बनाया जी, और अशोक का जो बृहद भारत बनाने का काम था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना इम्पोर्टेंट ये था कि अशोक ने पूरी जनता को एजुकेशन दी, क्योंकि उस समय जो शिलालेख लिखे, जो 84,000 स्तूप चैत्य अशोक ने बनवाए, उनको लोग पढ़ लेते थे पहली बार। जो ये जो शब्द है, जो कहावत है जिसको कहते हैं कि लकीर, पत्थर की लकीर, ये पत्थर की लकीर अशोक की लिखावट के लिए बोला जाता है, यानी पत्थरों पर जो लकीरें बनवाई थी वो सम्राट अशोक ने बनवाई पहली बार, तो इसलिए कहते हैं कि ये बात पत्थर की लकीर है, यानी कि ये 100% ठीक है, ये मिट नहीं सकती। तो शिलालेखों पर जो लिखवाया तो जनता पढ़ सकती थी, यानी पढ़ी लिखी जनता थी, तो एजुकेशन उसने पूरे उसमें फैलाई, जगह जगह उसने अस्पताल बनवाए और लोगों के कल्याण के सारे काम किए जी। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि उसने तलवार रख दी, इस वजह से देश गुलाम हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। गलत बात इसलिए है, उसने तलवार अगर रखी होती तो दुनिया के बाकी जो देश उसने जीते थे ईरान तक, वो उस पर कब्जा कर लेते, बिल्कुल ठीक बात है। मगर अशोक के समय तक या अशोक के बेटे या अशोक के पुत्र तक भी जी, जो बृहदत्त तक था, वहां तक भी कहीं कोई ऐसा इतिहास में नहीं है कि अशोक के राज्य में कहीं कमी आई या अशोक के राज्य में तलवार रखने से लोगों ने हमला कर दिया जी। अशोक का राज बाहर से नहीं गया, बाहर से हमलावर तो घबराते थे क्योंकि अब राज्य ज्यादा सशक्त था, अब लोग ज्यादा संगठित थे। अशोक के राज्य को खत्म अंदर से किया उन लोगों ने जो अशोक की इस नीति को नहीं मानते थे कि सब लोग बराबर हैं, सबको बराबर खाना मिलना चाहिए। जब देश ठीक चल रहा है तो भाई आपको क्या परेशानी है, ठीक बात है। तो कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्र करके और वहां की सत्ता कब्जा कर ली, वहां अपने करप्ट लोग भर दिए, उन्होंने प्लान बहुत पहले से बनाया, और फिर जब उनका सारा सिस्टम पे कब्जा हो गया तो उन्होंने उसके प्रपोत्र को यानी बृहदत्त को मार दिया और पूरा सिस्टम पहले ही उनके हाथ में था जी। उसके बाद देश टूटा है, अच्छा धम्म के जाने के बाद देश टूटा है।